महीने बाद 27 जून से 15 नई ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए ये ट्रेनें चलाई जाएगी। पूरा अपडेट हम इस वीडियो में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। करीब करीब 15 महीने बाद पटरी पर लौट रही है कई नई ट्रेनों का संचालन। यात्रियों को अब नई ट्रेन मिलने वाली है, क्योंकि 15 महीने बाद यह ट्रेन अब पुणे, एर्नाकुलम और चेन्नई के लिए जाएगी। इन तीनों शहरों के अलावे अन्य शहरों के लिए भी कई और नई ट्रेन शुरू होने वाली है। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण की पहली लहर की दस्तक के साथ सभी ट्रेनों के पहिए की रफ्तार भी कम हो गए थे और साथ ही कई ट्रेनों का परिचालन भी बंद हो गया था। और अब रेलवे धीरे धीरे पटरी पर लाने का प्रयास कर रही है सभी ट्रेनों को, और इसी के तहत इन्हें चलाने की घोषणा भी की गई है। बिलासपुर से पुणे के लिए चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन 1 जुलाई से प्रत्येक गुरुवार को देखने को मिलेगा। ट्रेन नंबर 08229 के साथ यह ट्रेन चलेगी। और इसी तरह बिलासपुर से चलने वाली एर्नाकुलम को यह ट्रेन के साथ साथ बिलासपुर पुणे साप्ताहिक ट्रेन को भी खोला जाएगा। इसका टाइम टेबल 11:20 पर रहेगा और यहाँ से यह ट्रेन प्रस्थान करने के बाद दूसरे दिन यह ट्रेन पुणे 9:05 पर पहुंचेगी। पुणे से खुलने का इसका टाइम टेबल रहेगा 5:40 पर शाम में, और यहां से रवाना होने के बाद दूसरे दिन यह ट्रेन 3:55 पर बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। बात कर लेते हैं इस ट्रेन के रूट के बारे में। यह ट्रेन बिलासपुर से छूटने के बाद रायपुर रेलवे स्टेशन, दुर्ग, राजनंदगांव, गोंदिया होते हुए चलेगी। इस ट्रेन के अलावे वापसी में एक नई ट्रेन चलेगी जिसका परिचालन चेन्नई से देखने को मिलेगा। चेन्नई से यह ट्रेन 3:40 पर रवाना होगी और गोंदिया 9:25 पर पहुंचेगी। यहां से यह ट्रेन खुलने के बाद तमाम रेलवे स्टेशन होते हुए बिलासपुर पहुंचेगी 2:30 पर। इन तीनों ट्रेनों के परिचालन को लेकर के राहत की खबर यह है कि इन ट्रेनों का परिचालन अगले महीने से शुरू होने वाला है और इसकी बुकिंग भी जल्द शुरू की जाएगी। कैसा लगा अपडेट नीचे कमेंट करके बताएं, साथ ही हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब।